गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। आपका मोस्ट वेलकम है सेशन में। तो आज हम बात करेंगे रेलवे स्टैटिक जीए की। स्टैटिक का मतलब बेसिकली हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इनकी हम बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं अपने सेशन की। और मेरा पहला क्वेश्चन क्या होगा वो आपके सामने है। मेरा पहला क्वेश्चन है कि हु वॉज द फर्स्ट एडिटर ऑफ द जुगंतर। जुगंतर के पहले संपादक कौन थे। आपके सामने चार ऑप्शन है, बरिंदर घोष, बिपिन चंद्रपाल, जोगिंद्रनाथ मुखर्जी एंड भूपेंद्रनाथ दत्ता। जुगंतर के पहले संपादक कौन थे ये आपसे पूछा गया है। भैया 5 ऑप्शंस, आंसर आपको देना है। बलराम जी गुड मॉर्निंग, प्रीति शर्मा जी गुड मॉर्निंग, रुचि साहू जी गुड मॉर्निंग, सुमित्रा बेहरा जी गुड मॉर्निंग। तो हिस्ट्री, इतिहास का पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर है और आपको इसका आंसर भी देना है। जल्दी से आंसर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या होगा, ठीक है, व्हाट इज द आंसर। जुगंतर के पहले संपादक कौन थे, तो आप लोग यहाँ पे आंसर दे नहीं रहे हैं, तो मैं आगे बढ़ता हूँ और मैं आपको इसका आंसर दिखाता हूँ। इसका आंसर होगा भूपेंद्रनाथ दत्ता। देखिए, जुगंतर एक बंगाली रिवोल्यूशनरी न्यूज़पेपर था, जुगंतर, ठीक है। 1906 में ये फाउंड किया गया था कलकत्ता में, ठीक है, बाय द बरिंदर कुमार घोष, अभिनाश भट्टाचार्य और भूपेंद्र दत्ता। लेकिन भूपेंद्र दत्त इसके एडिटर थे, तो ये मत भूलना, भूपेंद्र दत्त इसके एडिटर थे। ये एक क्या था, बंगाली रिवोल्यूशनरी न्यूज़पेपर था दैट टाइम, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन हमारा था जो हमने यहाँ पे कर लिया। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन, वेयर डिड ऋग्वैदिक आर्यन लिव इन इंडिया। तो भारत में ऋग्वैदिक आर्य कहाँ रहते थे, नॉर्दर्न इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया में, ईस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया में, या सप्त सिंधु एरिया में। व्हाट इज द आंसर। ऋग्वैदिक आर्यन लिव्स इन इंडिया, कहाँ पर ऋग्वैदिक आर्यन रहते थे ये आपसे पूछा गया। इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से मुझे बताइए। चलिए, तो यहाँ पे उदय प्रताप बोल रहे हैं एक ही नॉर्दर्न इंडिया में रहते थे, और नितेश बोल रहे हैं सप्त सिंधु में रहते थे, और ऋषि बोल रही है नॉर्दर्न इंडिया में। बलराम जी गुड मॉर्निंग। इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर सप्त सिंधु होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। तो ऋग्वैदिक काल के जो आर्य थे बेसिकली वो अफगानिस्तान, स्वाट वैली, पंजाब, इंडो गैंगनेटिक वाटरशेड, इन सब एरियाज में रहते थे, तो ये सप्त सिंधु में रहते थे, इसका मतलब ये है, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट द बायोग्राफी ऑफ द हर्षवर्धन। हर्षवर्धन की जीवनी किसने लिखी थी, आर्यभट्ट ने, कालिदास ने, शका ने या बाणभट्ट ने। हर्षवर्धन की बायोग्राफी किसने लिखी थी ये आपसे पूछा गया। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बाणभट्ट किसके शासनकाल में थे, ऐसा भी क्वेश्चन बनता है, तो देख लीजिए हर्षवर्धन की बायोग्राफी किसने लिखी थी। इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा बाणभट्ट, ऑप्शन नंबर डी। बाणभट्ट 7th सेंचुरी के संस्कृत राइटर थे, पोएट भी थे, तो इन्होंने हर्षवर्धन की जीवनी लिखी है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि हर्षवर्धन की बाणभट्ट किसके शासनकाल में थे, तो हर्षवर्धन होगा इसका आंसर, ठीक है। यस्टरडे क्लास क्यों नहीं हुई, बिकॉज मैं ट्रैवलिंग में था इसलिए नहीं हुई बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर गार्जियन टीचर वॉस। अकबर के अभिभावक शिक्षक कौन थे, अबुल फजल, बैरम खान, अब्दुल लतीफ, कबीर, कौन थे। और यहां पर आंसर की बात कर लेते हैं यहां पर, ठीक है। तो मैंने क्वेश्चन पूछा कि अकबर के गार्जियन टीचर कौन थे, अबुल फजल, बैरम खान, अब्दुल लतीफ और कबीर। 4 ऑप्शन आपके पास है, आंसर आपको देना है। व्हाट इज द राइट आंसर, जल्दी बताइए फटाफट। बलराम बोल रहे हैं कबीर थे, सागिर बोल रहे हैं बैरम थे, उदय प्रताप बोल रहे हैं कि अब्दुल लतीफ थे, ऋषि बोल रही है बैरम खान थे। क्या इसका आंसर होगा। तो आंसर की बात कर लें, आंसर इज बैरम खान, राइट आंसर। तो बैरम खान अकबर के गार्जियन टीचर थे। बैरम खान, इन्हें मतलब बैरम खान की बात करें बेसिकली इंपॉर्टेंट मिलिट्री कमांडर थे, लेटर कमांडर इन चीफ बने मुगल आर्मी के, पावरफुल स्टेट्समैन एंड रिगेंट ऑफ द कोर्ट ऑफ द मुगल, ठीक है। तो सिंपल सी बात क्या है कि मतलब ये गार्जियन टीचर थे, मेंटर थे, एडवाइजर थे अकबर के, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, The second battle of the Panipat was fought between Hemu and which person, मतलब बाबर, हुमायूं, अकबर, इब्राहिम लोधी। सेकेंड बैटल ऑफ द पानीपत, पानीपत की दूसरी लड़ाई हेमू और किसके बीच में लड़ी गई थी ये आपसे पूछा गया। आंसर क्या होगा देख लीजिए, बाबर, हुमायूं, अकबर और इब्राहिम लोधी। हेमू और किसके बीच में लड़ी गई थी, सेकेंड बैटल ऑफ द पानीपत। व्हाट इज द आंसर, आपको इसका आंसर करना होगा, जल्दी बताइए। उदय प्रताप बोल रहे हैं अकबर, ऋषि बोल रही है अकबर, और देख लेते हैं, नितेश बोल रहे हैं अकबर, और कुछ लोग का पत्ता भी गोल है। सागिर गाजी बोल रहे हैं अकबर, बलराम बोल रहे हैं अकबर एंड अंशुल बोल रहे हैं अकबर, यशवर्धन बोल रहे हैं अकबर, एंड द राइट आंसर इज अकबर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। तो सेकेंड बैटल ऑफ द पानीपत जो है ये लड़ाई गई थी नवंबर 5 को 1556 में, और ये लड़ाई हुई थी हेमू के बीच में। हेमू कौन थे? हिंदू जनरल एंड चीफ मिनिस्टर ऑफ द आदिल शाह सूरी एंड द आर्मी ऑफ द मुगल एम्पर अकबर। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर आपने दिया। तो 1556 में लड़ाई लगी थी। अंशुल जी आपने तीनों का बता दिया, अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। शेरशाह द्वारा शुरू की गई राजस्व प्रणाली ने किसकी राजस्व प्रणाली को प्रभावित किया? द रेवेन्यू सिस्टम इनिशिएटेड बाय द शेरशाह इन्फ्लुएंस द रेवेन्यू सिस्टम ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, बाबर, अकबर एंड औरंगजेब। द रेवेन्यू सिस्टम इनिशिएटेड बाय द शेरशाह इन्फ्लुएंस द रेवेन्यू सिस्टम ऑफ। शेरशाह द्वारा शुरू की गई राजस्व प्रणाली जो है वो किसको प्रभावित किया, मतलब जिसने इसको अडॉप्ट किया, कॉपी किया? अलाउद्दीन खिलजी, बाबर, अकबर एंड औरंगजेब। व्हाट इज द आंसर? रिंकी जी गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? बलराम बोल रहे हैं अकबर। अकबर की जो प्रणाली थी रेवेन्यू की वो सेम शेरशाह वाली थी। उदय प्रताप बोल रहे हैं अकबर। ठीक है, और देख लेते हैं। नितेश बोल रहे हैं अलाउद्दीन, बलराम बोल रहे हैं अकबर, अंशुल बोल रहे हैं औरंगजेब एंड द राइट आंसर इज अकबर, ऑप्शन नंबर सी। तो शेरशाह वॉज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर हु गॉट द होल ऑफ द लैंड मीजर्स एंड फिक्स द लैंड टैक्स, जिसने जमीन की नापाई की और लैंड टैक्स लगाया। ठीक है, तो सेम वैसी बात करें, और मतलब पहली बार बीघा वर्ड किसमें आया, तो शेरशाह सूरी में ही आया। तो इन सब की बात करें तो अकबर ने सेम रेवेन्यू सिस्टम फॉलो किया था, किसका? शेरशाह सूरी का। विथ विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटर ऑफ लर्निंग चाणक्य द फेमस टीचर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य वॉज एसोसिएटेड? निम्नलिखित में से किसके सीखने केंद्रों में चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध शिक्षक चाणक्य जुड़े हुए थे? मतलब कौन सा वो शिक्षण केंद्र था जिसमें चाणक्य जुड़े हुए थे? तक्षशिला में, नालंदा में, विक्रमशिला में या वैशाली में? वी हैव फोर ऑप्शंस। चाणक्य किस में जुड़े थे, कहां पर अध्ययन काम करते थे? तक्षशिला में, नालंदा में, विक्रमशिला में और वैशाली में। व्हाट इज द आंसर? वी हैव फोर ऑप्शंस। बलराम बोल रहे तक्षशिला, उदय प्रताप बोल रहे हैं विक्रमशिला, और देख लेते हैं। सुमित्रा बोल रहे हैं तक्षशिला, शिमला बोल रही है तक्षशिला एंड द राइट आंसर इज तक्षशिला, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर। चलिए, ग्रेट स्तूप एट सांची इज इन? सांची का महान स्तूप किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में या आंध्र प्रदेश में? व्हाट इज द आंसर? सांची का स्तूप कहां पे है, जल्दी मुझे बताइए। कमेंट क्यों नहीं आ रहे? ठीक है, ठीक है। व्हाट इज द आंसर गाइस? आंसर की बात कर लेते हैं। तो आंसर आ रहे हैं यहाँ पे, और एमपी आ रहे हैं, एमपी, रायसीना एमपी, बिल्कुल सही आंसर, ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। सांची का स्तूप बेसिकली बौद्ध स्तूप है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। द मॉन्क हु इन्फ्लुएंस अशोका टू एम्ब्रेस बुद्धिज्म वॉज? बौद्ध धर्म अपनाने के लिए अशोक को प्रभावित करने वाले भिक्षु थे? विष्णुगुप्त, उपागुप्त, ब्रह्मगुप्त और बृहदर्थ। व्हाट इज द आंसर? आंसर की बात कर लें, विष्णुगुप्त, उपागुप्त, ब्रह्मगुप्त और बृहदर्थ। व्हाट इज द आंसर गाइस? और यहाँ पे सागर गाजी बोल रहे हैं उपागुप्त, क्या ये सही आंसर होगा? ऋषि भी सेम बोल रही हैं, यशवर्धन भी सेम बोल रहे हैं। आंसर इज उपागुप्त, ऑप्शन नंबर 20 इज राइट आंसर। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग हिस्टोरिकल पर्सनालिटीज ऑफ इंडिया इज ऑल्सो नोन एज द विष्णुगुप्त? भारत की निम्नलिखित ऐतिहासिक हस्तियों में से किसे विष्णुगुप्त के नाम से भी हम जानते हैं? बिल्हाना, कालिदास, पतंजलि, चाणक्य। ये तो बता देंगे, सिंपल क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग हिस्टोरिकल पर्सनालिटीज ऑफ इंडिया इज ऑल्सो नोन एज द विष्णुगुप्त? वी हैव फोर ऑप्शन, जल्दी से मुझे बताइए। बलराम बोल रहे हैं चाणक्य को, नितेश बोल रहे हैं चाणक्य को, सारे बच्चे चाणक्य ही बोलेंगे। आंसर सिंपल है, चाणक्य, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीट एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज? किसी वस्तु की ऊष्मा ऊर्जा क्या होती है? वस्तु के अणुओं की औसत ऊर्जा, वस्तु के अणुओं की कुल ऊर्जा, वस्तु के अणुओं की औसत वेग एंड वस्तु के अणुओं की औसत स्थितिज ऊर्जा। the average energy of the molecules of the object, the total energy of the molecules of the object, the average velocity of the molecules of the object, and the average PE of the molecules of the object. What is the answer? Dinesh bhai, thank you. What is the answer? Heat energy of an object is. What is the answer? We have four options. Balram बोलना कि the total energy of the molecules of the object. Heat energy, किसी वस्तु की ऊष्मा ऊर्जा क्या होती है? बलराम बोल रहे हैं बी ऑप्शंस, दिनेश बोल रहे हैं सी ऑप्शंस, लोकेश बोल रहे हैं बी ऑप्शन. एंड द राइट आंसर इज बी ऑप्शन. वस्तु के अणुओं की कुल ऊर्जा वस्तु के ऊष्मा ऊर्जा होती है, तो कुल ऊर्जा होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर. नेक्स्ट पॉइंट, अर्लीस्ट थर्मामीटर वॉज डेवलप बाई. शुरुआती दिनों में जो थर्मामीटर था उसको डेवलप किसने किया था? सेल्सियस, फॉरेनहाइट, कैल्विन, गैलीलियो. व्हाट इज द आंसर? प्रीति बोल रही है फॉरेनहाइट. ठीक है, और देख लेते हैं. थोड़ा जल्दी से दो. बलराम बोल रहे हैं फॉरेनहाइट, उदय प्रताप बोल रहे हैं फॉरेनहाइट, दिनेश गावली बोल रहे हैं फॉरेनहाइट. व्हाट इज द आंसर? शिमला भी बी बोल रही है, लोकेश ठाकुर भी बोल रहे हैं. आंसर इज गैलीलियो. ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर. गैलीलियो गिली इज ऑफन क्लेम टू बी द इन्वेंटर ऑफ द थर्मामीटर. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, द टेम्परेचर एट विच बोथ द फॉरेनहाइट एंड द सेंटीग्रेड स्केल हैव द सेम वैल्यू इज. किस तापमान पर फॉरेनहाइट और सेंटीग्रेड दोनों का मूल्य समान होता है? -60 डिग्री, -40 डिग्री, -20 डिग्री एंड 0 डिग्री. व्हाट इज द आंसर? यशवर्धन बोले -40, उदय प्रताप बोले -40, नितेश, राधा रानी, सागिर, गाजी, यशवर्धन, बलराम सब -40 बोल रहे हैं. -40 इज द राइट आंसर. ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर. नेक्स्ट पॉइंट, गैस थर्मामीटर आर मोर सेंसिटिव देन द लिक्विड थर्मामीटर बिकॉज ऑफ द गैसेस. गैस थर्मामीटर तरल थर्मामीटर की तुलना में ज़्यादा संवेदनशील होता है क्योंकि गैस कम विशिष्ट ऊष्मा होता है, गैस में उच्च विशिष्ट ऊष्मा होती है, गैस का विस्तार का बड़ा गुणांक है और गैस हल्की होती है. व्हाट इज द आंसर? हैव लो स्पेसिफिक हीट, हैव हाई स्पेसिफिक हीट, हैव लार्ज कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन एंड आर लाइटर. व्हाट इज द आंसर? गैस थर्मामीटर आर मोर सेंसिटिव देन द लिक्विड थर्मामीटर बिकॉज ऑफ द गैसेस इज. वी हैव फोर ऑप्शन. व्हाट इज द आंसर? उदय प्रताप बोल रहे हैं बिकॉज हैव लो स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस. अच्छा, राधा रानी बी बोल रहे हैं, लोकेश बी बोल रहे हैं, सुमित्रा ए बोल रही हैं, बलराम बी बोल रहे हैं. एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए बिकॉज गैस कम विशिष्ट ऊष्मा होता है गैस में, तो इसलिए हैव लो द स्पेसिफिक हीट, दैट्स व्हाई गैस थर्मामीटर आर मोर सेंसिटिव देन द लिक्विड थर्मामीटर. ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट, द एब्सोल्यूट जीरो इज अ टेम्परेचर एट विच. पूर्ण शून्य वह तापमान है जिस पर गैस में आणविक गति बंद हो जाती है, पानी जम जाता है, सभी गैसें तरल हो जाती हैं, सभी गैस ठोस हो जाती हैं. पूर्ण शून्य वह तापमान है जिस पर क्या होता है? गैस में आणविक गति बंद हो जाती है, पानी जम जाता है, सभी गैसें तरल हो जाती हैं, सभी गैसें ठोस हो जाती हैं. ये फोर ऑप्शंस. शिमला बोल रही है पानी जम जाता है. अच्छा, नितेश बोल रहे हैं गैस में आणविक गति बंद हो जाएगी. और देख लेते हैं. बलराम बी बोल रहे हैं पानी जम जाता है. अच्छा, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा मॉलिक्यूलर मोशन इन अ गैस वुड सीज. गैस में जो आणविक गति होती है वो बंद हो जाती है. ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर. नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज हीटेड द मॉलिक्यूल्स ऑफ दैट ऑब्जेक्ट. जब किसी वस्तु को गर्म किया जाता है तो उस वस्तु के अणु तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं, ऊर्जा कम हो जाती है, भारी हो जाती है, हल्के हो जाते हैं. When an object is heated, the molecules of that object तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं, ऊर्जा कम हो जाती है उनकी, ये भारी हो जाते हैं या हल्के हो जाते हैं. What is the answer? नितेश बोल रहे हैं कि तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं, ऊर्जा कम होती है, भारी हो जाते हैं, हल्के हो जाते हैं. इसका आंसर क्या होगा? भाई सिंपल सा आंसर इस तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं. आप किसी को गर्म करते हो तो ना पिघल जाता है वो, और वैसे भी जैसे अगर आप किसी को छूते हो तो वह गर्म क्यों लगता है पता है आपको? क्योंकि उष्मा हमेशा उच्च तापमान से न्यूनतम में बहती है। तो आपको गर्म क्यों फील होता है? बिकॉज उसके जो मतलब जो हीट होती है ना, उसके जो एटम्स होते हैं वो आपकी तरफ ढकेलते हैं। तो गर्म होने पर अणु जो है वो मतलब आगे बढ़ते ही बढ़ते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट पॉइंट, द लार्जेस्ट डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड इज, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा क्या है? सुंदरबन, अमेजॉन बेसिन, ग्रीनलैंड, कांगो बेसिन, व्हाट इज द आंसर? द लार्जेस्ट डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड इज सुंदरबन, अमेजॉन बेसिन, ग्रीनलैंड, कांगो, क्या इसका आंसर होगा? राधा रानी ए बोल रहा है सुंदरबन, सारे बच्चे सुंदरबन बोल रहे हैं एंड द आंसर इज सुंदरबन। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। इन विच स्टेट इज हुट्टी गोल्ड माइन सिचुएटेड? हुट्टी गोल्ड खान जो है वो किस राज्य में है? महाराष्ट्र में, पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में, कर्नाटका में। इन विच स्टेट इज हुट्टी गोल्ड माइन सिचुएटेड, व्हाट इज द आंसर? महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, कर्नाटका, वी हैव फोर ऑप्शंस, व्हाट इज द आंसर? और यहां पर आंसर की बात कर ले, इसका आंसर क्या होगा? जल्दी बताओ यार फटाफट। उदय प्रताप बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर डी कर्नाटका। ओके, और देख लेते हैं, बलराम बोल रहे हैं वेस्ट बंगाल, ऋषि बोल रहे हैं कर्नाटका, नितेश बोल रहे हैं कर्नाटका एंड द राइट आंसर इज कर्नाटका। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वार्म ओशियन करंट? निम्नलिखित में से कौन सी एक गर्म महासागर की धारा है? कैनरी, लैब्राडोर, कुरेशिया, कुरोशियो एंड कुरिल। कौन सी वार्म ओशियन करंट है, गर्म महासागर की धारा है? व्हाट इज द आंसर? जल्दी बताएं फटाफट। कैनरी, लैब्राडोर, कुरोशियो एंड कुरिल। दिनेश बोले लैब्राडोर। सुमित्रा कर्नाटक, अच्छा इसको बताओ जी स्किप। प्रीति बोल रही है बी ऑप्शन एंड द राइट आंसर इज कुरोशियो। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। तो बेसिकली अगर हम बात करें इसमें कुछ पढ़ने की जानी नहीं, ठीक है। तो कुरोशियो वार्म करंट है और कैनरी, लैब्राडोर, कुरिले जो है ये कोल्ड करंट है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इन जियोग्राफी गल्फ स्ट्रीम रेफर टू, भूगोल खाड़ी स्ट्रीम किसको संदर्भित करता है? खाड़ी स्ट्रीम, गल्फ स्ट्रीम, एक गर्म महासागर धारा को, मजबूत हवा की धारा को, एक खाड़ी में शामिल होने वाली धाराएं और एक धारा का नाम। खाड़ी स्ट्रीम, गल्फ स्ट्रीम क्या होता है ये आपसे पूछा गया। वार्म ओशियन करेंट, द स्ट्रॉन्ग एयर करेंट, स्ट्रीम ज्वाइनिंग अ गल्फ, द नेम ऑफ अ स्ट्रीम, व्हाट इज द आंसर? बलराम बोल रहे हैं कि मजबूत हवा की धारा। उदय प्रताप ए बोल रहे हैं गर्म महासागर की धारा। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा गर्म महासागर की धारा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। तो गल्फ स्ट्रीम इज अ वार्म एंड द स्विफ्ट अटलांटिक ओशियन करंट। तो ये अटलांटिक ओशियन करंट है दैट ओरिजिनेट इन द गल्फ ऑफ द मैक्सिको। तो बस ये याद रखना, गल्फ ऑफ मैक्सिको से ये ओरिजिनेट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, Which one of the following country is the largest producer of uranium in the world? निम्नलिखित देशों में से कौन सा यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है? कनाडा, साउथ अफ्रीका, कजाकिस्तान, यूएसए, व्हाट इज योर आंसर? लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द यूरेनियम इन द वर्ल्ड कौन सा है? देख लीजिए यहां पे, कनाडा एंड आंसर कजाकिस्तान। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है, फरक्का बैराज को किसके लिए कमीशन किया गया था? फरक्का बैराज को किसके लिए बनाया गया था? कोलकाता बंदरगाह बचाने के लिए, उत्तर और दक्षिण बंगाल लिंक करने के लिए, कोलकाता के लिए पेयजल की आपूर्ति, बांग्लादेश में पानी को मोड़ने के लिए। फरक्का बैराज क्यों बनाया गया था? आंसर दीजिएगा। राधा रानी बोले ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता के लिए पेयजल की आपूर्ति। अच्छा, ऋषि बोल रही है सी. बेसिकली अगर जहाँ तक मुझे नॉलेज है तो कोलकाता जो पोर्ट था उसको पानी के कटान से रोकने के लिए फरक्का बैराज को बनाया गया है. बेसिकली देख लेते हैं इसका आंसर क्या है. आंसर कोलकाता बंदरगाह बचाने के लिए. देखिए फरक्का बैरेज इज अ बैरेज अक्रॉस द गंगेस रिवर लोकेटेड इन द मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट इन इंडियन स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल. द पर्पस ऑफ द बैरेज इज टू डाइवर्ट 1100 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड ऑफ वाटर फ्रॉम द गंगा इन द हुगली रिवर फॉर फ्लशिंग आउट ऑफ द सेंडिमेंट. वही जो मैं आपसे बोल रहा था. तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर. नेक्स्ट पॉइंट. विच फ्रॉम ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट ओरिजिनेट इन इंडियन टेरेटरी. कौन सी नदी ऐसी नदी है जिसका उद्गम स्थल भारतीय क्षेत्र में नहीं है. गोदावरी, झेलम, रावी, घाघरा. What is the answer? वो कौन सी नदी है जिसका उद्गम स्थल भारत नहीं है. गोदावरी, झेलम, रावी, घाघरा. We have four options. What is the answer? उदय प्रताप बोल रहे रावी. नितेश बोल रहे हैं झेलम. अच्छा आई थिंक ये घाघरा होना चाहिए बिकॉज घाघरा. देख लेते हैं आंसर. इसका आंसर क्या होगा. घाघरा. ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर. बिल्कुल सही. तो घाघरा की बात करें तो घाघरा का नाम इंडिया में घाघरा है बेसिकली. लेकिन ये बेसिकली बात करें तो घाघरा जो नदी है इट राइजेज इन द साउदर्न स्लोप ऑफ द हिमालय इन तिब्बत. तो तिब्बत में हिमालय के जो दक्षिणी जो स्लोप्स हैं मतलब घाट है वहाँ से निकलती है. ठीक है. मतलब बेसिकली ग्लेशियर है वहाँ पर तिब्बत में जिसका तिब्बत पठार में जिसका नाम है मैप चैंग चोंगू. वहाँ से ये निकलती है और ये फिर हिमालय के थ्रू नेपाल में एंट्री करती है और नेपाल में ये ज्वाइन करती है शारदा रिवर को. उसके बाद ये इंडिया में आती है और इंडिया में मतलब बेसिकली इसे घाघरा हम बोलते हैं. तो घाघरा रिवर जो है वो तिब्बत से आती है भाई. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वेटेस्ट प्लेस इन इंडिया. तो भारत में सबसे अधिक नमी वाला स्थान कौन सा है मतलब जहां पे बारिश ज्यादा होती है सबसे ज्यादा. व्हाट इज द आंसर. Which one of the following is the wettest place in India? Mahabaleshwar, Pijapuji, Udgam Mandal, Mawsynram. उदय प्रताप बोल रहे हैं मौसिनराम. हाँ बिल्कुल सही है. मौसिनराम इज राइट आंसर. तो मौसिनराम ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर जहाँ पे सबसे ज़्यादा मतलब बारिश होती है. चेरापूंजी था पहले अभी मौसिनराम हो गया. नेक्स्ट पॉइंट. भारत की निम्नलिखित महत्वपूर्ण नदियों में से कौन सी पश्चिमी घाटों से उत्पन्न नहीं होती है. विच ऑफ द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ इंडिया डज नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम द वेस्टर्न घाट. वेस्टर्न घाट अगर इंडिया का मैप ये है तो वेस्टर्न घाट आपको गोवा से लेकर प्रॉपर गुजरात से लेकर प्रॉपर आपको ये था साउथ इंडिया मिलते हैं. तो वेस्टर्न घाट की बात करें तो कौन सी नदी वेस्टर्न घाट से नहीं निकलती है. कावेरी, गोदावरी, कृष्णा और महानदी. बिल्कुल महानदी आपने देखा कि ये ओडिशा साइड में होती है तो इधर से निकलती नहीं इसका मतलब. तो महानदी इज राइट आंसर. ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर महानदी. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट. वेयर इज द फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड. वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है. देहरादून, भोपाल, लखनऊ, दिल्ली. वेयर इज द फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड. वी हैव फोर ऑप्शन. व्हाट इज द आंसर. चार ऑप्शन हमारे पास है. आंसर क्या होगा देख लीजिए फटाफट से. Where is the Forest Research Institute located? And the answer is Dehradun. Option number A. Dehradun. Option number A is right answer. ठीक है. Next point. Rihand Valley Project is located in which state of? Rihand घाटी परियोजना कहाँ पे स्थित है. Rihand Dam. Rihand Dam एक डैम है बेसिकली. रिहंद नदी पर ये बना हुआ है और ये बेसिकली पावर जनरेशन के लिए काम आता है और ये उत्तर प्रदेश के सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में है. उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में है. तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर. ठीक है. चलिए नेक्स्ट पॉइंट. द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द नीलगिरी हिल्स इज. तो नीलगिरी पहाड़ियों का उच्चतम बिंदु कौन सा है. नीलगिरी पहाड़ियों में सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है बेसिकली. कलसुबाई, सालेर, डोड्डाबेट्टा एंड पुश. क्या इसका आंसर होगा. द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द नीलगिरी हिल्स इज और आंसर की बात कर लें आप लोग के, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डोड्डाबेट्टा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। डोड्डाबेट्टा इज द हाइएस्ट माउंटेन इन द नीलगिरी हिल्स एट 2637 मीटर इसकी हाइट है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। रेड कलर इन टोमेटो इज ड्यू टू, टमाटर में लाल रंग किसकी वजह से होता है? कैप्सिसिन, लाइकोपीन, जेंथोफिल और नन ऑफ द एबव। व्हाट इज द आंसर? टोमेटो में रेड कलर क्यों होता है? बेसिकली आपको भी अगर मतलब कमजोरी रहती है या फिर खून की कमी होती है तो आपको डॉक्टर ही लेने को बोलते हैं। बहुत सारे मल्टीविटामिन में और सिरप्स में ये होता है, इसे हम बोलते हैं लाइकोपीन। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, लाइकोपीन। जापानी इंसेफ्लाइटिस किसके कारण होता है? जापानीज इंसेफ्लाइटिस जो बीमारी होती है वो किसके कारण होती है? बैक्टीरिया, वायरस या पैरासाइट, प्रोटोजोआ या फंगीज? क्या इसका आंसर होगा? लाइकोपीन होता है, बिकॉज मैंने अपने करियर की स्टार्टिंग ही फार्मा इंडस्ट्री से की है, तो हमारे यहाँ सिरप आती थी ना, सिरप में लाइकोपीन सबसे ज़्यादा हमारे सिरप में था, तो हम इसे काफ़ी बेचते थे। वायरस होता है भाई, वायरस। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, वायरस। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। ड्यूरिंग एन एमरजेंसी ऑल ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट आर सस्पेंडेड, एक्सपेंड। आपातकाल के दौरान हर तरह के मौलिक अधिकार खत्म हो जाते हैं, केवल एक मौलिक अधिकार के। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एंड फ्रीडम ऑफ असेंबली विदाउट आर्म्स। व्हाट इज द आंसर? आपातकाल के दौरान सारे मौलिक अधिकार खत्म हो जाते हैं, केवल एक रह जाता है, वो कौन सा रह जाता है? दिल्ली पुलिस के लिए जीके सीए पढ़ाओ, आयुष जी बोल रहे हैं। जी आयुष जी, बिल्कुल आपकी आज्ञा सर, आंखों पर। बिल्कुल, थोड़ा सा जीएस का रिवीजन कर ले, फिर करते हैं ना। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जीवन जीने तथा व्यक्तिगत सत्ता का अधिकार। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट पॉइंट, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंडामेंटल ड्यूटीज एडॉप्टेड। तो हमारे संविधान में मौलिक अधिकार जो है वो कहाँ से लिए गए हैं? फ्रांसीसी संविधान से, इंडियन, स्पेनिश से या यूएसएसआर से? कहाँ से? फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंडामेंटल ड्यूटीज एडॉप्टेड। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? यूएसएसआर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट पॉइंट, द पावर टू ग्रांट पार्डन और सस्पेंड और रेमिट द सेंटेंस ऑफ एनी कन्विक्टेड पर्सन इज वेस्टेड इन द। किसी भी दोषी व्यक्ति की सजा को माफ करना या निलंबित करना या हटाने की शक्ति किसको नहीं है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट जज एंड डिफेंस मिनिस्टर। व्हाट इज द आंसर? प्रेसिडेंट। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। और ये पावर मतलब आर्टिकल 72 में ये बताया गया है, तो आर्टिकल 72 भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट, द नेशनल एंथम वॉज एडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इन। तो राष्ट्रीय गान को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था कब? 24 मई 1949, 24 नवंबर 1949, 24 जनवरी 1950 एंड 24 जून 1950। द नेशनल एंथम वॉज एडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन विच ईयर, इन विच डेट एंड ईयर? जल्दी से बताइए क्या इसका आंसर होगा। उसे बता, ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं, मतलब कि 24 नवंबर, राधा रानी 24 जनवरी। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 24 जनवरी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, 1950, 24 जनवरी 1950। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, Which option is borrowed from the Weimar Constitution of Germany by the Indian Constitution? तो भारतीय संविधान द्वारा जर्मनी के वीमर संविधान से क्या अपनाया गया है? फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, सिस्टम ऑफ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी। तो देख लीजिए, एक मजबूत केंद्र के साथ एक संघ, राष्ट्रपति चुनाव की प्रणाली, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत और आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन। तो जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या अडॉप्ट किया, ये आपसे पूछा गया। बलराम बोल रहे हैं डीपीएसपी, डीपीएसपी मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। उदय प्रताप सी बोल रहे हैं, सागर गाजी डी बोल रहे हैं। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। देख लीजिए भाई, तो फेडरेशन विथ अ स्ट्रॉन्ग सेंटर हमने कहाँ से लिया है? कनाडा से लिया है। सिस्टम ऑफ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन आयरिश मतलब आयरलैंड का है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट आयरिश का है ये भी। एंड सस्पेंशन ऑफ द फंडामेंटल, तो ये हमारा जर्मनी से लिया गया। ठीक है, देख लीजिएगा सारे पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, बाई विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द वर्ड सोशलिस्ट वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के किस संशोधन से शब्द समाजवाद को संविधान की प्रस्तावना से जोड़ा गया है? 42nd अमेंडमेंट, 44th अमेंडमेंट, 25th अमेंडमेंट एंड 24th अमेंडमेंट। व्हाट इज द आंसर? सोशलिस्ट वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 42nd, 44th, 25th, 24। यहाँ पे आंसर आ रहा है 42nd। क्या ये सही आंसर है? तो इसका सही आंसर क्या है? 42nd। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। तो 42nd अमेंडमेंट, द प्रीएम्बल हैज बीन अमेंडेड टू सब्सटीट्यूट द वर्ड सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक विद द वर्ड सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। नेक्स्ट पॉइंट, Which schedule of Indian Constitution is related to provisions as the President and the Governor of State? भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपाल से संबंधित प्रावधान वर्णित है? दूसरी अनुसूची, आठवीं अनुसूची, 10वीं और 11वीं। क्या इसका आंसर होगा? देख लीजिए, व्हाट इज द आंसर? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सेकंड स्केड्यूल। ऑप्शन नंबर ए, दूसरी अनुसूची में राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपाल के लिए प्रावधान वर्णित हैं। ठीक है, चलिए, तो सेकंड स्केड्यूल में क्या है जो मैंने बताया आपको? प्रोविजन रिलेटिंग टू प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर। 8th स्केड्यूल में क्या है? लैंग्वेज रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। 10वें में क्या है? प्रोविजन रिलेटिंग टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर। और 11वीं में क्या है? स्पेसिफिक द पावर, अथॉरिटी एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पंचायत। ठीक है, मतलब जो ऑप्शन आपके पास है देख लीजिएगा। तो 8वें में क्या है? देख लीजिए, लैंग्वेज रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। 10वें में क्या है? प्रोविजन रिलेटिंग टू द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर। और 11वें में क्या है? देख लीजिए, स्पेसिफाई द पावर, अथॉरिटी एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पंचायत। चलिए, हाउ मैनी अमेंडमेंट हैव बीन मेड देयर टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टिल नाउ? तो अभी तक हमारे संविधान में कितने अमेंडमेंट हुए हैं? 103, 101, 104, 109। व्हाट इज द आंसर? हमारे संविधान में अभी तक कितने अमेंडमेंट हुए हैं? 100 मतलब कितने हुए हैं? 103, 101, 104, 109। वी हैव 4 ऑप्शंस। 104 हुए हैं, 103 तो पहले थे, 104 इस साल हुए हैं, 104। और जो 104 हुआ है वो बेसिकली SC ST पॉपुलेशन की मतलब जो सीटें होती हैं लोकसभा में उनके लिए हुआ था। 104 ये जी। द वर्ड सत्यमेव जयते अपियरिंग अंडर द नेशनल एम्बलम आर टेकन फ्रॉम विच हिस्टोरिकल वर्क? राष्ट्रीय प्रतीक के तहत आने वाले सत्यमेव जयते शब्द को किससे लिया गया है? भागवत गीता से, मुंडका उपनिषद से, रामचरितमानस से या ऋग्वेद से? व्हाट इज द आंसर? जी हाँ, मुंडका उपनिषद। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, ठीक है गाइस, तो आज का सेशन खत्म करते हैं। मिलते हैं कल आपसे मॉर्निंग में 6:30 बजे करंट अफेयर्स के लिए और 8 बजे फिर से रेलवे के लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, मेरा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।